तो भाई एक बहुत ही बड़ी दुखद न्यूज़ सामने आ रही है, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जियो के प्लान्स के जो प्राइसिंग है वो बढ़ा दिया जाएगा, और भाई अप टू 25% तक की प्राइसिंग यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा। और आपका हमारा जो फेवरेट 395 वाला प्लान था, जहाँ पे हमें 84 डेज के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता था, अब भाई वो बंद कर दिया जाएगा। मतलब इस पर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिलेगा, तो इसके बदले में आपको कितने का रिचार्ज कराना पड़ेगा। और सपोज कीजिए आपका 395 वाला डेटा पहले से चला हुआ आ रहा है, तो क्या भाई जब से ये प्लान्स की प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो क्या वहाँ पर जो, क्योंकि ये तो भाई डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे भी आपका प्लान चलता रहेगा? और फिर अगले कुछ दिन, जैसे पूछिए 4 दिन बाकी अभी, हाँ तो 4 दिन के अंदर अंदर अगर मैं रिचार्ज करा लेता हूँ तो क्या मेरा 395 वाला प्लान वर्क करेगा? मतलब सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्लान की प्राइसिंग है 3 जुलाई से हाइक होगा, मतलब 3 जुलाई के पहले अगर आप रिचार्ज कराते तो चल जाएगा। तो जो मेन प्लान थे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 155 रुपीज का प्लान हमें देखने को मिलता था, जहाँ पे 2GB डेटा प्लान, 28 डेट्स की वैलिडिटी आती थी। अब भाई 155 वाले प्लान को बढ़ा के 189 रुपीज कर दिया गया। और जो सबसे पॉपुलर प्लान हुआ करता था 666 रुपये का, जहाँ पे आपको 1.5 GB डेटा मिलता था, यहाँ पे आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलती थी। अब 666 वाले को बढ़ा के 799, मतलब भाई 800 रुपये यहाँ पे प्लान्स की प्राइसिंग कर दिया गया। फिर एनुअल वाले प्राइसिंग जो 1559 होता था उसे 1899 कर दिया जाएगा। फिर जो आप डेटा एड ऑन प्लान करते थे 15 रुपये का, 19 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट सामने देख सकते हो, और जो भी आप रिचार्ज करते थे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से भाई प्राइसिंग, मतलब 666 वाले का 799, मतलब भाई 666 को 800 बढ़ा दी, बाप रे बाप। मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे 150 रुपये तक का यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। और भी जो आप 395 वाला प्लान करते थे ना, अब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे जैसे कि नीचे देख रहे हो, जो अनलिमिटेड 5G डेटा, अगर आपको मजा लेना है तो मिनिमम 2GB डेटा जो पर डे मिलेगा उसका रिचार्ज कराइए, या फिर उससे ज्यादा वाला। अब यहाँ पे जैसे हम 2GB डेटा पर डे में आते हैं, भाई देखिए पहले 299 था, अब उसे बढ़ा के 349 कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको एक महीने का चाहिए अनलिमिटेड 5G तो कम से कम 349, मतलब जहाँ से हम 3 महीने करते थे अब उसके बदले में आपको 1 महीने में उतना कराना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको 56 डेज का चाहिए तो 629 रुपये का कराना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आपको 3 महीने का चाहिए तो भाई मिनिमम आपको 860 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब 859 रुपीज़ का। कहाँ भाई 385, कहाँ 859 रुपीज़ का आपको प्लान का यहाँ पे रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये प्लान्स की प्राइसिंग थे और 3 जुलाई से यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि देखिए अगर जैसे इस टाइम पे आपने 395 वाला प्लान लेके रखा हुआ है, जिसकी वैलिडिटी जो आराम से समझिए जुलाई, 3 जुलाई के बाद है, आप समझिए अगस्त में खत्म होगा, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से आपका प्लान, जो भी प्लान के आधार पर चल रहा था, अनलिमिटेड 5G अगर आपको मिल रहा था तो मिलता रहेगा, तो उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। और अगर आपने 1 साल वाला रिचार्ज, हाँ 1559 के आसपास जो होता था भाई, उसकी प्राइसिंग बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 1559 वाले में अगर हम आए तो इसकी बढ़ा के 1900 रुपये कर दिया गया। प्लस इसमें आपको अब अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं, 3 जुलाई या उसके बाद कराते हो तो, अगर आपने ये वाला प्लान अभी तक पहले करा के रखा हुआ था तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आपका अनलिमिटेड 5G पूरे डेटा साल तक चलने वाला, कोई दिक्कत वाली नहीं। प्लस अगर आप 3 जुलाई से पहले कराते हो, क्योंकि देखिए आज डेट तो 27 तारीख है, 28, 29, 30, 31 का महीना है ये, 31 का महीना, तो 31 में फिर उसके बाद में 1 और 2, मतलब ये 4-5 दिन अगर अंदर अगर आप कोई भी प्लान का रिचार्ज कराते हो, सपोज ये 395 का करते हो तो 84 डेज का जो था वो आराम से चलता रहेगा, और 1559 रुपये, क्योंकि भाई प्लान्स की प्राइसिंग भी हाइक नहीं होगी, प्लस ये डिसकंटिन्यू भी नहीं होगा, क्योंकि भाई प्राइसिंग तो बढ़ी रही इसकी, साथ में ये डिसकंटिन्यू भी हो जा रहा है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई 1559 वाला प्लान का रिचार्ज करा लो, आपको 1 साल तक अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। अब सपोज कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा तो अगस्त में प्लान खत्म होगा, कोई दिक्कत लेने बात नहीं, आप एडवांस में भी रिचार्ज करके रख सकते हो, आपका उसी हिसाब से कंटिन्यू होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनली मेरा खुद भाई यहां पे जो है खत्म नहीं होने वाला था, तब पर भाई मैंने यहां पे रिचार्ज करा लिया 1559 रुपए का, आराम से मेरा जो अगले 1 साल तक अनलिमिटेड 5G डेटा यहां पे चले। भाई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे भाई उनका पैसा बच। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।